राम वार्म अप बस हो गया, अभी मैच का टाइम है। अंपायर का रिक्वेस्ट है कि बैट्समैन को भेजा जाए। अग्नि टीम प्लीज फील्डिंग लगा लो, हार्ट बच चुके हैं। बॉल गीला होने वाला है, इसलिए टॉवल ले लो प्लीज। और ये सुपर हिट ओपनिंग जोड़ी हिटमैन सुमित। सुमित विल टेक द स्ट्राइक। गुड मॉर्निंग प्रसाद भाई, प्लीज टेक ओवर द चार्ज फॉर कमेंट्री। पहला ओवर सेफ डालेंगे जो कि बेहतरीन टीम बॉलर है।
और ये एक जोड़ी रॉबिन भाई और मयन भाई, वेलकम ऑन द ग्राउंड। पहले बॉल पुल किया एक रन, रॉबिन भाई प्लीज टेक ओवर द कॉमेंट्री। और ये पहले बॉल पे ही छक्का ठोक दिया कोहली भाई ने, दो बॉल सात रन। और पिच के लुटा दी, आसान नहीं होता, प्रेशर, सेमीफाइनल। और ये निकल गया जस्ट छह रन। ये तो भाई अगर आप कोहली को शॉर्ट गेंद दोगे तो बहुत ही बड़ा ओवर, 20 रन आए पहले ओवर में, तो चांस भी बने ओवर में, स्कोर हो गया 20 पहले ओवर में।
जब चौक छक्कों में जब स्कोर बन रहा है तो बात के रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे पास ही आ रही है गेंद और बिल्कुल लाइन के ऊपर छह कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग है दोनों प्लेयर शॉर्ट बॉलिंग को बाबा फील्डर कहाँ है इनर सर्कल में 39 बहुत ही जबरदस्त बैटिंग स्कोर 45 रन अभी तक दूसरा ओवर चल रहा है त्रिशूल निकल चुका है कहाँ डाले इस बंदे को भी सोच रहे हैं सौ बॉलर आगे डाला तो लपक लिया पहुंच गए थे वैसे भी काफी तेज रनिंग ओवर समाप्त 47 क्या रन रेट है बाप रे 25 का रन रेट 23 का जितने इजी नहीं रहते हैं सुबह बट यू हैव टू प्ले पॉजिटिव प्रसाद भाई आपकी कल कमाल की बैटिंग एक मैच अगर आपको और प्रसाद भाई Yes, ready. Yeah. 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 Yeah.
वापस स्लोअर लेफ्ट आप, मजा आता है देखने को। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ललचाया। अंदर से ज्यादा प्रेशर बाहर, पैर जमीन पे लग नहीं रहे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, यहां पे बहुत ही बड़ा चांस। अंपायर वन डिक्लेयर, ये एज लगा है, ये गेंद और पेस निकल गई। क्या कम बैक किया है बॉलर ने, और ये दो रन इस ओवर में, सिर्फ तीन रन आए अभी चार गेंदों में, लेकिन सबसे 50 रन पूरे याद त्रिशूल के। हल्की सी धूप निकली है, बहुत ही अच्छी है। और ये छोरन फुल टॉस दे रही लास्ट बॉल, और तीन ओवर 18 गेंदे, छप्पन रन हो गए तीन ओवर के बाद, 56। अगले गेंदबाज साहब अमित खंडेलवाल, और ओ, बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छी कोशिश की वहां पे, अगर ये आ जाती हाथ से कहीं आगे गिरी, मेरे को यहां से दिखा दी।
50 रन पूरे कोहली के और टीम के हो गए 63। शॉट इतना टाइट था, ले लेंगे शायद आसानी से, पूरे कर लिए दो रन और यहां पे ब्रीड।
हेलो हेलो आराम से डाल पैसे देंगे Thank you.
शायद जी आपकी थोड़ा ऑर्गेनाइजर्स अगर आपने चाय नहीं पिलानी होती तो बता दिया करो, सुबह सुबह आप अपने थर्मस में ले आया करेंगे। और ये पकड़ लिया पहला विकेट, हर्ष ने पकड़ा है कैच, बहुत ऊंचा उड़ा था। यहां पे मेरे ख्याल से ब्रेक भी ले लेंगे। मेरा स्कोर 93-1 ओवर कितना है, 6 ओवर खत्म, 6 ओवर की समाप्ति के बाद फुल टॉस गेम बैट के ऊपर बॉल ठीक से आई नहीं और ये बहुत ही बड़ा विकेट दिया आपने। अग्नि की आग अभी जल रही है सुबह सुबह, जैसे जैसे धूप निकल रही है। अच्छी बैटिंग यहाँ पे कोहली, बहुत ही अच्छी शुरुआत टीम को दे रही है। इंपॉर्टेंट मैच Five runs.
और यहाँ पे देखते हैं रनर्स मारो ठीक है नेवर माइंड और एक सिंगर यहाँ पे चुरा लिया है नहीं एक सिंगर बहुत ओए आज खुशी में तू चाय भी नहीं पिलाएगा क्या तू कैसे घूम रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं गाड़ियां अंदर जाती हैं क्या रन आता हुआ स्कोर बढ़ गया 98 पे 7 ओवर के बाद 2 विकेट जा चुके अगले गेंदबाज कैलाश अच्छी बिल्डिंग वहां पे एक रन पूरा किया कैप तो चली जाती तो यहाँ पे 100 रन पूरे टीम के 8वां ओवर Thank you.
या फिर फुल टॉस एक मिनट जरा after the 8 overs, 110 for 2. आज का थर्ड ओवर है, 8 ओवर में 110 रन, प्रोजेक्टेड स्कोर 165। हटाना पड़ेगा वहां से, वो ट्रक को निकालना है, ट्रक निकलेगा वहां से। हु इज द ओनर ऑफ व्हाइट बेंटो कार? मिसफील्डिंग, मिसफील्डिंग, नो इट, नो इट। 115 for 2, 9th over in progress.
गो लॉन्ग लॉन्ग फ्यूचर टावर के ऊपर से, फ्यूचर टावर के ऊपर से 121 121 फॉर टू नाइन्थ ओवर इन प्रोग्रेस सेकेंड रन इन प्रोग्रेस रनिंग मिस फील्डिंग हुआ एक रन की जगह दो रन एक्स्ट्रा चले गए एक शॉट व्हाइट बेंटो किसका है गाड़ी नंबर वाइट बॉल नाइन्थ ओवर इन प्रोग्रेस दो वाइट बॉल हो चुके हैं इस ओवर में सिक्स रन 131 on after completion of 9 over score is 131 for 2 over in progress and first ball 4 runs 135 for 2 10th over in progress projected score 180 135 for 3, 10th over in progress. Sahib, new batsman is Mr. Sahib. Jersey number wake. Mr. Sahib, jersey number 1. Number 1. Thank you.
10th over in progress. Run out. New batsman is. Durgesh, new batsman is Mr. Durgesh, jersey number 19. 35 for 4. 10th over in progress. Come on. Excellent, bro.
139. Score is 139. 11th over in progress. After 11 over, only one over in left. Kailash, next bowler is Kailash. Last ball of this inning, last over of this inning. Last over for this inning, first. पहली बॉल पे छक्का, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे छक्का, पांच बॉल और बची हुई है। 147 कंप्लीट हो गए हैं टीम के थ्री बॉल लेफ्ट चलो राम
Oh. Wow. 6-7 wicket is fallen. Mr. Ram. Next. Batsman is Arjun. Jersey number 11. Two bowlers left in the match. Arjun. 150. Last two balls. Projected 162. Pago, 151. Last ball of this man. Last ball of this inning. 151. Agni team required 153 to win this match, win this semi-final. 153 required. 153 required.
आउट 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 ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गए। बेहतरीन कैच मिस्टर ललित, बेहतरीन कैच। नेक्स्ट बैट्समैन इज मिस्टर स्वप्निल, है ना, जर्सी नंबर 003। बेहतरीन कैच का प्रदर्शन, सरफराज काफी आउट होकर जा रहे हैं। सेकंड ओवर इन क्रॉसिंग, फर्स्ट ओवर चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर। पहला चौका मैच का, मैच का नहीं मतलब सीलिंग का। चौके से की शुरुआत, एक रन पूरा। और यहाँ पे बाद में देखते क्या होता है, और ये एक रन पूरा किया। और ये चार रन हो जाएंगे, यहाँ पे डीप है काफी गेंद, और चार रन पूरे। चौदह रन
स्कोर बढ़ता है 20 रन। दूसरा छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। दूसरा डॉट, और ये बहुत ऊंचा उड़ चुका है, देखते कौन। और ये विकेट, कपिल भाई का विकेट। एज लग गया बैट का, काफी ऊंची उड़ी चुकी है। Let's go.
शॉट शॉट चार रन दो रन के लिए मिस फील्डिंग बहुत अच्छा ट्राई किया फील्डिंग करने का लवली शॉट मैन इन फॉर्म मिस्टर जीतू जर्सी नंबर 14 मैन इन फॉर्म ठीक है नो प्रॉब्लम बढ़िया बॉल जा रही है लाइन से रे अर्जुन पीछे से स्टार्ट लेके रे पीछे फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस ओए टच बॉल वेरी दिया है बॉलर के पास से फील्डिंग अंपायर खड़ा किया उधर चलो फील्डिंग ओवर कंप्लीट फोर्थ ओवर कंप्लीट 39/2 अब तक लास्ट ओवर में एक रन गया फील्डिंग आठ ओवर में 114 रन की रिक्वायरमेंट आठ ओवर 114 रन बॉलिंग कौन सा है योगेश नेक्स्ट बॉलर है योगेश का फर्स्ट बॉलर फर्स्ट ओवर है दुर्गेश तेरा ही है ब्रो पहली बॉल पे चौका running between the wickets 44 fifth over in progress shot 3 runs ke liye boundary wall 3 runs into wide man in form 50 complete फिफ्थ ओवर में 50 कंप्लीट हो गया है
103 रन की दरकार है उनके। अगेन 6 रन, चक्का लगातार दो शानदार 6 रन। 56 फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। अग्नि टीम बैक इनटू द गेम। थर्ड विकेट तो जीतू ही आउट होकर वापस आ रहे हैं पवेलियन की तरफ। नेक्स्ट बैट्स में अच्छा टाइम आउट। न्यू बैट्समैन इज मिस्टर राम। Thank you.
साथ तेरा ही है, निकाल। भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, सब बंदे हैं प्यारे, हम चाहते हैं अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट हो, लास्ट ओवर तक गेम चले। अच्छा शॉट जाप पे है, एक रन। चलो मैच दो में टेंटर लाइन जाओ, शॉट वन बॉल फोर, राम वर्सेस ललित। सिंगल से बात नहीं बनेगी यहाँ पे, लेकिन एक सेवन ओवर 74, आधे रन बच चुके हैं, आधे बाकी है। 5 ओवर में 70, कुछ भी हो सकता है जब तक है राम।
बॉल टू बॉल अभी हम गिनाएंगे। 77 करो अंपायर का डिसीजन फाइनल रखो। Come on, come on, football.
यहाँ पे कैच और ये विकेट अच्छी पारी के लिए यहाँ पे शायद अच्छा खेल रहे थे, दो चार और लगा जाते तो जब तक है राम चलेगा। 18 गेंदों में 52 ना 18 पे 52 41 run in 12 balls. 14 डालेंगे अपना आखिरी ओवर मजा आएगा भाई ललित थर्ड बॉल थर्ड ओवर
गैप में है और एक स्पिन हो गई। यार आज ये दोनों 40 ग्यारह में 40 ग्यारह में 40 रन बोला था। दस गेंदों में 40 रन 10 चौके। पहला चौका गेंदों में 36 8 गेंदों में Thank you.
मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मैच में कैलाश थोड़ा और आगे आके खेलते बहुत ही पीछे रखा अपने आप को। Gracias.
में 15
और ये 6 रन, मस्त शॉट, 41 हो गया, 14 ओवर चल रहा है। और ये 6 रन है। स्कोर बढ़ता हुआ 49, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। बॉल ले आउट भाई, आ गई बॉल, एक रन, काफी डीप है फील्डर, आसानी से रन पूरा किया। पचास रन पूरे, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट, यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट, तो फ्लैट रह गया एलिवेशन से, ये उतना नहीं मिला, 2-4 इंच ऊपर होता तो मुश्किल हो जाता, लेकिन अपना काम करके गए विकेट, 33 रन बना के गए, अच्छी शुरुआत दे दी है। कैच बोर्ड का यहाँ बहुत ही तेज मारा था, कैचेस आर रियली इंपॉर्टेंट। ये डेड बॉल, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस, और ये 1 रन पूरा हुआ।
सिंगल अब एक एक रन आते हुए स्कोर 53। अभी भी टिके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसका मनपसंद बॉलर अभी तक आया नहीं है कोई।
समीर
शानदार बॉल धीरे से डिफेंड कर दिया, एक रन चुरा लिया। माई को एक रन मिले 95। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 95, 95 रन और 5 विकेट।
तीन गेंदे और बची है आखिरी ओवर की। और घुमाना चाहते थे लेफ्ट साइड में, लेकिन बॉल कट होकर पीछे की तरफ गई, एक ही रन मिलेगा, वन रन डिक्लेयर। 119 चार गेंदे हो चुकी है, दो गेंदे शेष इस आखिरी ओवर की। और फिर से घुमाया है, देखना है जब कैच पर ले पाते हैं, नहीं कैच छूटा, दो रन के लिए दौड़े और ये रन आउट। बढ़िया बढ़िया आखिरी गेंद और रन आउट। संदीप रन आउट हुए हैं, चावेज ने थ्रो किया बहुत ही शानदार और आमोद ने की असर, आमोद ने पकड़ कर रन आउट किया। बॉल और डालना पड़ेगी आमोद को, क्योंकि ये बॉल वाइड हो गई है। 121 रन, देखते हैं आखिरी बॉल पर क्या करते हैं माही। और इस बॉल पर कोई रन नहीं, इस प्रलय के 12.5 ओवर खत्म। शौर्य ने बनाए हैं 122 रन चाहिए जीतने के लिए प्रलय को।
छोड़ दिया है ऑफ साइड में, बाहर की तरफ गेंद जा रही थी, कोई रन नहीं। डॉट बॉल, पहली बॉल बहुत अच्छी बॉल। ऑफ साइड में घुमाया है, बाहर की तरफ गई है, दो रन मिलेंगे, दो रन डिक्लेयर। समीर को दौड़ने की जरूरत नहीं। द्वारा सिर्फ एक रन मिलेगा जावेद को,
आता है और कोई गलती नहीं की, पहले लगा था कि बैट छूट सकता है लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से वापस अपने दास्तानों में कैप्चर कर लिया माही ने। दूसरा विकेट जाता हुआ प्रलय टीम का मोहन के रूप में। इस ओवर की 3 बॉल हो चुकी है, अब जा रहे हैं मौलिक, देखना होगा डिफेंड करेंगे या अटैक। जावेद कुछ समझाते हुए मौलिक को, नवराज जी मोटिवेट करते हुए अपनी टीम को। जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मौलिक इस समय। और ऑफ स्पिन बहुत ही शानदार तरीके से घुमा दिया, जमीन से बॉल गई लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग है जुलू द्वारा, कोई रद्द नहीं। और ये स्लो बॉल उसे जाने दिया, कोई रिस्क नहीं ली। 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन और 2 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे जावेद, दूसरा है नया बॉलर शरण, अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहा है शरण, सामना करेंगे जावेद 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। शौर्य ने पहले बैटिंग करके 121 रन बनाए हैं और 122 रनों का लक्ष्य रखा है प्रलय के सामने। और दिखा दिया है, देखना होगा। और ये कैच, अरुण ने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से कैच ले लिया, संदीप ने कैच लिया है, जावेद का घुमाना चाहते थे 6 रनों के लिए लेकिन बॉल सीमा रेखा के पार नहीं जा पाई, उसे बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लिया संदीप ने। और नए बैट्समैन है अर्पित, 1 नंबर की जर्सी पहन के अर्पित। अंपायर क्रॉस हुए थे क्या, देख लीजिए आप। टीम मालिक समझाते हुए अर्पित को, 7 का दूसरा विकेट, 7 रन 3 विकेट। और ये बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड कर दिया अभिनव ने, बहुत अच्छे से फील्डिंग की और कोई रन नहीं यहाँ पर। शरण का दूसरा ओवर बहुत रोक के रखा है बैट्समैन को। घुमाना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन बॉल कट होकर गई स्लिप में, नवनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे कैप्चर कर लिया और कोई रन नहीं, दूसरा डॉट बॉल। और घुमा दिया है, देखना होगा 4 रन, 4 रन के लिए यहाँ पर घुमा दिया अर्पित ने बहुत ही शानदार तरीके से। बॉल अंदर गई है, कृपया बैटिंग टीम देखे कहाँ गई। ऊपर की
बॉल चली गई है शायद, ढूंढेंगे, आप दूसरे बॉल से चालू करवाइए। घुमाना चाहता था और विकेट कीपिंग की ओर आउट हो गया है। यहाँ पर इस्माही ने बहुत ही अच्छे तरीके से कीपिंग करके स्टंपिंग किया। हार्पिक अपना विकेट खोकर वापस पवेलियन में लौटते हुए नेक्स्ट बैट्समैन देखना होगा आमोद मालिक, दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते हुए देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टंप कर दिया है यहाँ पर माही ने। तीसरा ओवर चल रहा है, 7 रन टीम के, सर 11 रन सर, 11 रन और 4 विकेट। सलामी बल्लेबाज दोनों वापस पवेलियन में लौट चुके हैं। अभी भी मौलिक भाई जमे हुए हैं। और डिफेंड कर दिया, क्या गेंद पैरों में जाकर लगी, कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 4 विकेट। देखना होगा अब नया ओवर लेकर कौन आ रहे हैं। अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू करते हुए ना दूसरा ओवर लेकर आएंगे वीके, सामना करेंगे मालिक। पहली बार पर विके ने विकेट लिया मौलिक भाई का। मौलिक भाई काफी प्रख्यात बल्लेबाज, छोड़ दिया उसे, तो रिस्क नहीं लेना चाहते अंकुर भाई, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। चौथा ओवर और बहुत तेज घुमाया है, रिस्क थी यहां पर, 1 रन पहले चुराया, चुराने की कोशिश की और आमोद स्टार्ट ले चुके थे नॉन स्ट्राइकर रन से, थ्रो किया लेकिन थ्रो उन्हें कलेक्ट कर नहीं पाए, उसके बाद 1 रन पूरा हुआ।
हल्का सा फ्लिप कर दिया लेग साइड में सिंगल के लिए, 13 रन। चौथा ओवर चल रहा है, 5 विकेट खो चुकी है विराट कोहली की टीम। सामना करेंगे अंकुर। और वो स्लो बॉल उठाकर मार दिया है, 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट, फोर बॉल ट्राई किया तो फोर सॉरी चौका, 4 रन। पांच बॉल हो चुकी, एक बॉल बाकी है। और बहुत तेजी से एक रन चुरा लिया है, अमित ने पहले ही स्टार्ट ले लिया था। 18 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 18 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पहले खेल रहे हैं अंकुर भाई और आमोद। शरण अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। अंकुर भाई ने छक्का मारा, इसके साथ ही स्कोर पहुंचा है 24। पांचवा ओवर चल रहा है, 5 विकेट के नुकसान पर 24 रन। और डिफेंड कर दिया है, पहली बार पर छक्का मारकर नेक्स्ट बॉल पर डिफेंड कर दिया अंकुर भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से ऑफ साइड में। भाई हमारे बहुत सीनियर प्लेयर हैं, यहाँ पे देखना होगा एक बहुत जूनियर प्लेयर आमोद के साथ अपनी पारी कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं। पांचवा ओवर चल रहा है, 24 रन और 6 विकेट। टेक्निकली बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को ऑफ साइड में खेल दिया, एक रन चुरा लिया, 25 रन, पांचवा ओवर, 6 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे शशांक
बॉलर है शरण। शरण अपने तीसरे ओवर की कौन सी आखिरी गेंद, वाइड बॉल स्लो करना चाहते थे, दिशा भटक चुकी है। एक रन वाइड बॉल से, और ये घुमाकर मार दिया है और संदीप के हाथ में, गेंद सीमा रेखा के पार जा ही नहीं पा रही है, अंदर ही पकड़ ली जाती है। ये तीसरा विकेट सही जगह पर, संदीप का ये तीसरा कैच, शरण का खेल खत्म हुआ। तीन ओवर 5 विकेट शरण द्वारा, तीन ओवर में 18 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं शरण ने। बहुत ही शानदार स्पेल खत्म हुआ। अब नया ओवर लेकर के आ रहे हैं अरुण, बैट्समैन है अभिषेक, आमोद जमे हुए हैं। सॉरी, अर्पित है बैट्समैन। अरुण एक रन, अरुण की गेंद पर आमोद ने निकाला है सिंगल, निकालकर स्ट्राइक दिए अर्पित को। घुमा दिया, एक रन फील्डिंग की है जुनेद ने, थ्रो किया अरुण ने आराम से उसे पकड़ लिया, एक रन चुराया हार्दिक। और फिर से एक रन वही क्षेत्र में ऑफ साइड में आसानी से बैट पकड़ा जा सकता है, ये हवा में थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फील्डर से दूर। प्लेयर्स को फील्ड
पर इनवाइट किया जा रहा है मोहन और जितने भी ऑर्गेनाइजर है उनके द्वारा एक बिरयानी पार्टी, यहाँ पर 12:30 बजे बिरयानी पार्टी के लिए सारे प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ